फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम बाद अब पॉजिटिव रिपोर्टिंग आना शुरू हो गई है और इस शेयर ने पिछले 6 महीने की बात करें तो बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। और फ्रेंड, अब ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से इस शेयर में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके कई सारे रीज़न भी है जो कि रीजनेबल लगते हैं। और इसके अलावा लगभग रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर भारत के अंदर काफ़ी रिटेल ट्रेडरों के पास होगा, तो इसी वजह से ये वीडियो हम बना रहे। तो जेफ्री का ये कहना है कि फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिटेल बिजनेस है वो अनुमान से कई तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और मार्केट सेंट को एक्वायर कर रहा है, तो ये बहुत ही मेजर इसकी वजह है। और इसके अलावा ओ टू सी यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस में स्टेक सेल होगा, तो ये भी एक रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। और ग्रॉस रिफाइन मार्जिन में अगले आने वाले दिनों में वापस से बढ़ोतरी देखने की संभावना पूरी पूरी जताई जा रही है। और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग अगले आने वाले दिनों में होने का भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री बैंकिंग लाइसेंस को भी प्राप्त करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा रीज़न हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगले आने वाले दिनों में टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ हाइक होता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सबको पता है कि रिलायंस जियो ही है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी वजह से अभी बड़े बड़े एनालिस्ट को यह स्टॉक यहां से आकर्षक लगने लगा है। और अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी अगले आने वाले 3 से 6 महीने में रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में देखने की संभावना जताई जा रही है।